कोटा केजेके लोन अस्पताल में हंगामा हो गया। अस्पताल में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हंगामा हो गया। इस दौरान एएसआई गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर बाहर कर दिया। दरअसल जेके लोन अस्पताल के काउंटर पर बैठे कुछ संविदा कर्मियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायत पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जेके लोन अस्पताल पहुंचे थे, जहां वे प्रदर्शन करने के लिए अस्पताल के वार्डों तक पहुंचने लगे, जिस पर मरीजों को हो रही असुविधा को देखते हुए पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान एक कार्यकर्ता वीडियो बनाने लगा और सेल्फी मोड में आ गया। इस दौरान पुलिसकर्मी ने मोबाइल लेने की कोशिश की तो एएसआई नीचे गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर बाहर कर दिया। मामला ये था कि लगातार हमें ये कंप्लेंट मिल रही थी कि यहाँ पे जो 5 रुपये जो शुल्क दिया जाता है, शुल्क जो लिया जाता है वो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सरकार द्वारा ये आदेश है कि आप नहीं ले सकते। उसके बावजूद भी हमें ये कंप्लेंट मिली कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जो परिजन हैं उनसे भी यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है। तो इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारे कार्यकर्ता खुद यहाँ पे पहुँचे, 3 दिन से लगातार पहुँच रहे हैं। 3 दिन से यहाँ पे गए, यहाँ पे आने के बाद बताया गया है, यहाँ पे जो भी कर्मचारी थे उनको बताया गया कि 8 वर्ष का बच्चा है और क्या बोलते हैं, हमें परामर्श चाहिए, डॉक्टर साहब को दिखाना है। उसके बावजूद भी 5 रुपये की मांग यहाँ के जो भी कर्मचारी उनके द्वारा की गई विथ प्रूफ हमारे पास है। 4 दिन से गलती साहब एक बार होती है, 2 बार होती है, 5-6 बार ऐसा हम इनके साथ देख चुके हैं। जब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि आप 1 वर्ष से कम के बच्चों से पैसे नहीं ले सकते, तो आप क्यों ले रहे हो? पर्ची पे शुल्क 0-0 आ रहा है, पैसा लिया जा रहा है बड़े घोटाले की ओर। ये सारा घटनाक्रम इशारा कर रहा है, जिसमें हमें तो ये लगता है कि पूरे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। और यश गौतम, पूर्व जिला महासचिव, युवा कांग्रेस कोटा से।